हाय दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम विजय और मैं स्वागत करता हूँ आपका चैनल विजय जेनरेट 7 पे। और आज हम देखने वाले हैं टॉप 5 मदरबोर्ड सीरीज जो कि इंटेल और एएमडी की तरफ से रहेगी। तो देखने के लिए बने रहिए दोस्तों। और इससे पहले बता दो, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कृपया जाकर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें ऐसे कंटेंट लाते रहते हैं जो कि हमारे भारतवर्षों के लिए होते हैं और जो हिंदी में होते हैं। और दोस्तों, मैं लाख लाख धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमने 500 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। ये सब आप लोगों की सपोर्ट का नतीजा है जो आपने इस चैनल पर हमको दिखाया है दोस्तों। अगर आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे तो हम एक एक माइलस्टोन को छूते जाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ये आ रहा आपके सामने पहला मदरबोर्ड जो कि एएमडी बेस्ड मदरबोर्ड रहेगा गीगाबाइट की तरफ से। इसका मॉडल नंबर है GA78LMT। और इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो M3+ सॉकेट को सपोर्ट करता है, जो कि ऑल फिनोम प्रोसेसर एथलॉन सीरीज सब आ जाती है इसमें। और USB 3.0 का आपको सपोर्ट मिल जाएगा इसमें, लैन सपोर्ट आपको मिल जाएगा, चार आपको डिम स्लॉट मिल जाएंगे जो कि 32 GB तक मेमोरी सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि DDR3 रहेगा, जो कि मेरे हिसाब से DDR3 मतलब काफ़ी बैकवर्ड चल रहा है, क्योंकि DDR4 सपोर्ट आ चुका है इंटेल में। तो मैं जानता हूँ कि जब अगले सीरीज ऑफ प्रोसेसर Zen आएंगे और उनका आर्किटेक्चर बदलेगा तो उस हिसाब से काफ़ी इंप्रूवमेंट आने वाला है, और DDR4 बेसिकली वो सपोर्टेड रहेगी। मगर अभी के लिए कोई लेना चाहता है तो मैं प्रिफरेबली यही करूँगा कि अभी फ़िलहाल DDR3 ही आप AMD में जा सकते हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट है प्राइस को देखते हुए। और 1600 MHz जो कि ओवरक्लॉक्ड मेगा रहेगा आपका सपोर्टेड इसमें, जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसे बात करूँ तो 3 साल की आपको वारंटी मिल जाएगी। और जैसे कि मैं बताया आपको, इसमें एक ड्रॉबैक ये दोस्तों, इसमें 6 GB सैटा पोर्ट नहीं मिलेगा, इन स्पाइट ऑफ दैट 6 आपको 3 GB पोर्ट आपको मिल जाएंगे, और यही एक छोटा सा ड्रॉबैक है इसमें। मगर तभी भी काफ़ी आपको प्रीमियम फीचर्स मिल रहे हैं इसमें। इवन आप FX 6300, 8350 जैसे कार्ड, 8370 वो भी सपोर्ट करेगा, उसको आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। और आगे चलेंगे हमारे दूसरे मदरबोर्ड की ओर, जो कि हमारा ASUS H110MD रहेगा। ये इंटेल बेस्ड है, इवन मैंने काफ़ी बिल्ड्स में यूज़ किया। 4830 rupees का इसका कॉस्ट है। स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो LG 1151 सॉकेट टाइप को सपोर्ट करता है, जो कि 6th generation Core i7, Core i5, Core i3 सपोर्ट कर सकते हैं, Pentium भी इवन, और 14nm लेटेस्ट आर्किटेक्चर के साथ आता है। देखा जाए तो काफ़ी सुपीरियर है दोस्तों, और प्राइस के अनुसार वो सुपीरियर रहना ही है। थोड़ा बहुत इंटेल अभी फ़िलहाल काफ़ी आ गए हैं, और इंटेल टर्बो बूस्ट 2.0 को सपोर्ट कर सकता है। चिपसेट की बात करूँ तो इंटेल H110 चिपसेट है, और 2 डिम स्लॉट सपोर्ट करते हैं मैक्स 32 GB मेमोरी तक, 2133 MHz नॉन बफर्ड जो कि मोस्टली है। इंटेल एक्सट्रीम मेमोरी प्रोफाइल सपोर्ट कर सकता है। USB 3.0 का आपको सपोर्ट मिल जाएगा इसमें, 4 सेट ऑफ 6 GB कनेक्टर अभी आपको मिल जाएंगे जो आपको चाहिए। और बेसिकली बहुत सारे यूनिक फीचर ASUS के साथ आते हैं इसमें, और लैन सपोर्ट मिल जाएगा आपको, और मतलब बेसिकली 3 साल की वारंटी के साथ इतना तगड़ा ब्रांड आपको मिल रहा है, और क्या चाहिए 4830 रुपये में। और आगे चलेंगे, थोड़ा प्रीमियम हमें कॉस्ट देना पड़ रहा है, जो कि ये रहेगा बेसिकली AMD की बेस्ड मदरबोर्ड, जो कि MSI 970 गेमिंग मदरबोर्ड। ये थोड़ा प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है। चलिए देखते हैं दोस्तों स्पेसिफिकेशन में क्या प्रीमियम मिलता है आपको। इसकी बात करूँ तो ये भी पूरे फिनोम एथलॉन सब सीरीज M3+ की सपोर्ट कर सकता है। चार पोर्ट आपको मिल जाएंगे DDR3, 32 GB तक मेमोरी सपोर्ट कर सकते हैं, 2133 ओवरक्लॉक्ड, जो कि DDR3 के लिए काफ़ी ज़्यादा है। और USB 3.0 का आपको स्लॉट मिल जाएगा, लैन सपोर्ट है, इवन इसमें Multi GPU सपोर्ट है। इसकी वजह से इसकी प्राथमिकता ज़्यादा बढ़ जाती है। 2-way NVIDIA SLI टेक्नोलॉजी भी सपोर्ट करता है, और AMD Crossfire टेक्नोलॉजी भी सपोर्ट करता है। इसका मतलब Multi GPU एक साथ चला सकते हैं, और 6 सेट ऑफ 6 GB पोर्ट भी हैं, जो कि प्रीवियस हमें केवल 3 मिल रहे थे AMD के उस मदरबोर्ड में। इसके लिए हम प्रीमियम प्राइस भी लगभग डबल दे रहे हैं बात करूँ तो। और सपोर्ट करता है RAID 0, RAID 1, RAID 5 और RAID 10। तो बेसिकली ये हमारा मदरबोर्ड था 7940 में MSI की तरफ से। और आगे चलेंगे दोस्तों, ये दोनों बेसिकली जो दो मदरबोर्ड बचे हैं वो इंटेल की बेस्ड ही रहेंगे। जो पहला रहेगा MSI की तरफ से है B150 मेट, जिसका नाम है, जो कि LG 1151 को सपोर्ट करता है। इसमें Core i3, Core i7 लेटेस्ट जनरेशन प्रोसेसर लग जाएंगे। 4 स्लिम स्लॉट आते हैं आपको इसमें, DDR4 जो कि 64 GB तक आपको सपोर्ट कर सकते हैं, DDR4 2133 MHz तक, जो कि ड्यूल चैनल मेमोरी आर्किटेक्चर पर रहेगा। USB 3.0 का आपको सपोर्ट मिल जाएगा इसमें, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसमें एक सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट यह है कि इसमें 2 AMD आप क्रॉस फायर लगा सकते हैं,
और एक केवल सिंगल इसमें एसएलआई सपोर्ट नहीं कर सकता, एनवीडिया का एक कार्ड लग सकता है सिंगल केवल। और छह आपको 6 GB कनेक्टर मिल जाएंगे जो कि काफ़ी अच्छा है। M.2 आपको सपोर्ट मिल जाएगा और वन ऑफ द बेस्ट है प्राइस को देखते हुए, क्योंकि हम प्रीमियम प्राइस दे रहे हैं, 3 साल की वारंटी के साथ आ जाता है। और मैं बताऊंगा आपको, अगर ऐसे मदरबोर्ड बेसिकली आप 7,440 रुपये तक स्पेंड कर सकते हैं, तो मैं इवन बोलूँगा आप नेक्स्ट सीरीज़ का मदरबोर्ड ले लें, जैसे जो कि आने वाला है अभी आप देखेंगे, जो कि MSI की तरफ से रहेगा। और ये Z सीरीज़ का है, Z170। इसकी प्रीमियम और उसकी क्वालिटी की बात करूँ तो आप उसमें ओवरक्लॉक नहीं कर पाएंगे अब आपके CPU को, क्योंकि ये K सीरीज़ के लिए वन ऑफ द बेस्ट है और रिकमेंडेड है, इसलिए मैंने डाला। वन ऑफ द चीपेस्ट है दोस्तों, जो भी मैं प्राइस लाता हूँ आप लोगों के लिए वन ऑफ द चीपेस्ट रहती है। तो 10,478 का Z सीरीज़ का मदरबोर्ड जो कि MSI की तरफ से रहेगा, Z170 PC मेट इसका मॉडल नंबर है। और इसकी बात करूँ तो 6th जनरेशन ये भी Core i3 Core i5 Core i7 सपोर्ट कर सकता है, और लेटेस्ट जनरेशन 14nm आर्किटेक्चर के साथ बना है, और इंटेल एक्सट्रीम मेमोरी प्रोफाइल भी सपोर्ट करता है, 4 DDR4 मेमोरी के स्लॉट सपोर्ट कर सकता है 64 GB तक मैक्स, और DDR4 3600 MHz ओवरक्लॉक तक, क्योंकि हम इतनी प्रीमियम प्राइस दे रहे हैं 10,500 रुपये तक, तो ये सब तो आना ही चाहिए क्यों दोस्तों। तो अगर इसकी बात करूँ तो ये भी मल्टी GPU सपोर्ट कर सकता है, मगर तभी भी मैं बताऊँ आपको कि केवल AMD क्रॉस फायर, इसमें भी आपको सिंगल NVIDIA कार्ड लगाना पड़ेगा, मगर बहरहाल बहुत सारी चीज़ें जो आपको इसमें मिल रही है, M.2 SSD स्लॉट मिल जाएगा आपको, और 6 GB बेस कनेक्टर आपको मिल जाएंगे, एक HDMI पोर्ट मिल जाएगा, अगर मैं ऑनबोर्ड ग्राफिक्स की बात करूँ तो एक DVI-D एक VGA पोर्ट मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छा है, और इसमें USB 3.1 का सपोर्ट मिल रहा है जो कि सुपर स्पीड USB 3.0 से ज़्यादा है, तकरीबन 10 GBps तक की सपोर्ट कर सकता है ये स्पीड, जो कि ट्वाइस है लगभग USB 3.0 से। ये इसकी बेसिकली मेन फीचर्स हैं, और LAN सपोर्ट तो होना ही है इसमें, 3 साल की वारंटी के साथ आता है, वन ऑफ द बेस्ट है, 3600 MHz तक सोचिए दोस्तों आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं, क्या चाहिए। और वन ऑफ द चीपेस्ट है, इसमें आप क्रॉस फायर ज़रूर कर सकते हैं जैसे कि मैं बताया, मगर सिंगल NVIDIA कार्ड लगाना पड़ेगा, और 10,500 रुपये में हम ये नहीं सोचेंगे कि SLI भी 10,500 में मिल जाए, ये सोचना थोड़ा गलत रहेगा प्राइस को देखते हो, मगर काफ़ी अच्छा दोस्तों। और ये जितने मदरबोर्ड हैं वन ऑफ द बेस्ट बैंग फॉर द बक रहेंगे आप लोग, इनमें से कोई भी चुने आपको जैसी रिक्वायरमेंट, और कोई भी पार्ट आप स्किप ऑन ऐड ऑन कर सकते हैं, इसके अलावा अगर कोई और मदरबोर्ड सपोर्टेड लगाना चाहते हैं तो आप बेस्ट चीज़ है PC गेमिंग की, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी चीज़ स्वैप कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा टॉप 5 मदरबोर्ड सीरीज इसके समाप्त होती है, और आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी सीरीज़ लाता रहूँगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो इसको कृपया लाइक देना ना भूले, जिससे हमें पता चलेगा हमारा कंटेंट जो हम आपको दे पा रहे हैं वो कैसा है। तो अगर आप कोई भी सवाल और सुझाव आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। और फिर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ दोस्तों 500 सब्सक्राइबर के लिए, कि हमारी फैमिली धीरे धीरे बढ़ते जा रही है जैसे मैंने आपको बताया। तो ये वीडियो देखने के लिए लाख लाख धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, वंदे मातरम, नमस्कार और जय हिंद।